चौरासी काफी विवाद चल रहे हैं। रिसेंटली राखी ने आरोप भी लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, केस पे केस, कंप्लेन पे कंप्लेन होती जा रही है। तो आपने भी थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अब आप एक और कंप्लेन करने जा रहे हो। रिसेंटली राखी ने भी कल रात को आधी रात में कंप्लेन की, तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे? उनका इंस्टा आरोप रिसेंटली आपके ऊपर ये लगा है कि आपका हाथ है उनका इंस्टाग्राम उड़ाने के चक्कर में। राखी यही तो चाहती है कि राजश्री की नींद खराब कर दूं मैं, इस वजह से वो आधी रात को ये सारी हरकतें कर रही हैं। अचानक से मुझे पता चलता है कि राखी सावंत ने मुझ पर एक और आरोप लगाया है कि मैंने उनका इंस्टाग्राम उड़ा दिया है। ये सारी चीज़ें इतने इजी नहीं है, राखी सावंत के पास प्रूफ तो कुछ होता नहीं है, बस जाके बोलना है। ये सब बहुत बड़े क्राइम है, इंस्टाग्राम उड़ाना ये साइबर क्राइम है। आप राखी सावंत प्रूफ करके दिखाइए कि ये सब कुछ मैं कर रही हूँ। आपको सिर्फ मुझ पर एलिगेशन लगाने हैं, इस वजह से आप सब कुछ खुद कर रही हो। अपना इंस्टा आप खुद उड़ाती हो, खुद पब्लिसिटी करती हो, क्योंकि आप 2-3 दिन के लिए यहाँ मुंबई में हो नहीं, और आप ये चाहती हो कि बस अब 2-3 दिन लोगों को कुछ नया चाहिए, तो आप हम सबको यहाँ पे काम पे लगा के जा रही हो। सही है राखी सावंत, आपका बस यही प्लान था कि मैं रात को ये सब कुछ करूँ जाके और सबकी नींद ख़राब कर दूँ, और आपने किया, आप उसमें सक्सेस हो। तो बात ये थी कि कल राखी सावंत ने दरगाह माहिम दरगाह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, उन्होंने काफ़ी बातें करी है। उन्होंने सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट ये किया था कि उस रात दुबई में क्या हुआ था, राशि से पूछिए, राशि सब कुछ बताएगी। मैं बोलूँगी तो बहुत कुछ भांडा फूट जाएगा। व्हाट भांडा? मुझे लगता है उनको बोलना चाहिए, आप बोल दीजिए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ था वहाँ पे। कुछ होगा तो मैं बताऊँगी, सिवाय मैंने जो आपको मतलब मैं पिछले 2-4 दिन से जो स्टेटमेंट दे रही हूँ कि उसने जो मुझसे पैसे मंगवाए, 5,000 दिराम, 10,000 दिराम, कपड़े के, मेकअप के, उसी के ऊपर उसके मेरे फाइट्स हुए हैं, इसके अलावा क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। राखी सावंत कुछ भी बोल देगी कि मैं भांडा फोड़ूंगी, व्हाट? एक तो आपकी लैंग्वेज बहुत गंदी है, आप उसको सुधारिए। सो बेसिकली एक दोस्ती में वो आपको अपने मैनेजर ट्रीट करने लग गए थे। बिल्कुल। सो ये चीज सबसे ज्यादा आपको हर्ट हुई है? मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ यही चीज मुझे हर्ट हुई है, वो जिस तरीके से ट्रीट करने लग गई थी ना, पता है वो इतनी अग्रेसिव थी, वो गाड़ी में भी मुझसे, मेरी गाड़ी में हम लोग सब लोग जाते थे, मुझसे बदतमीजियां करती थी, चालू गाड़ी में मुझसे ऐसे ट्रीट करती थी, ए तू चुप बैठ, ए तू ज़्यादा मत बोल, तू मुझे मत सिखा। वो मैंने उसको बोला था चलती गाड़ी में, मैंने उसको बोला था राखी सावंत मुझे ना इस तरह से ट्रीट करना बंद करो, मैं तुम्हारी मैनेजर नहीं हूँ। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं गाड़ी से उतर के निकल गई, या गाड़ी उसको ड्रॉप करके मैं वहाँ से निकल गई। इतने लोगों ने मुझे कॉल किए, सब ने कॉल किए, फिर राखी ने तो एक भी कॉल नहीं किया था शायद, बाकी सब फ्रेंड्स ने बहुत कॉल किए थे मुझे, फिर भी मैं वापस नहीं आई तो नहीं आई। मैंने कहा जब तक ये बदतमीज़ी करेगी मेरे साथ ये ठीक नहीं होगी, मैं वापस नहीं आऊँगी। मैंने 2 दिन लिए थे अपने आप को शांत करने के लिए, फिर 3रे दिन वापस जैसे उसकी बातचीत चालू हो गई कि प्लीज़ सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं अग्रेसिव हो गई थी, फिर मैं वापस उससे बात करना स्टार्ट करती थी। और ये हमेशा होता था मेरे साथ, मुंबई में वो आए दिन ये सारी चीज़ें करती थी। उसने बहुत लोगों को बोल के रखा था कि राजश्री मेरा काम संभालती है। ये क्या वर्ड्स है, राजश्री मेरा काम संभालती है, मतलब मैनेजर हूँ मैं? सच में राखी सावंत आप अफोर्ड कर सकती हो मुझे, मैं मैनेजर? बिल्कुल, में उनका उन्होंने स्पॉन्सर किया है, उन्होंने पैसे लगाए, फाइनेंस किए हैं। राखी सावंत कुछ भी बोल सकते, राखी सावंत कोई बड़े से टावर के नीचे खड़े होके बोल देगी कि ये टावर मेरा है। कुछ दिन पहले राखी सावंत ने स्टेटमेंट दिया था बुर्ज खलीफा का ऑनर मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या ये बात सच है? नहीं, वो कुछ भी बोल सकती है, वो बोलेगी आगरा का ताजमहल मेरा है, वो नहीं होने वाला है। जैसे कि उसने कहा कि नेलार स्टूडियो में वो फाइनेंस करती है, झूठ है, वो सिर्फ यहाँ पे आती है, फ्री की सर्विसेज लेती है और अपने घर जाती है, वो भी मेरे गाड़ी से, फिर मैं ही छोड़ने जाती हूँ। अच्छा, रिसेंटली ये कहा है उन्होंने कि जितने मेरे दुश्मन थे वो गैंगअप हो गए जी, मिल गए और मिलके मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और मुझे हैरेस कर रहे हैं,
और मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। ये तीनों मिल गए हैं, आदिल जो आके उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए, जो कंप्लेन की, साथ में मेरी खास दोस्त जो 8 साल पुरानी है राशि, उन्होंने उनका साथ दिया, तो ये सब क्या चल रहा है उनकी तरफ से, जो वो ऐसा कह रहे हैं, ऐसे दावा कर रही है कि एक साथ तीनों का आना, मेरे ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाना, मुझे एक्सपोज करना, ऐसा वर्ड यूज करना, तो ये कोई प्री प्लानिंग थी इनकी ग्रुपिज्म करके? अगेन वन मोर एलिगेशन, सब कुछ झूठ है, कोई झुंड में नहीं चल रहे, सब इंडिविजुअल अपना अपना अपने अपने खुद को जस्टिस चाहते हैं, मैं अपना चाहती हूँ, वो लोग अपना चाहते हैं, हम कोई झुंड में नहीं है। सिचुएशन ऐसी हो गई है, आदिल अचानक मुंबई में स्पॉट होते हैं, राखी सावंत 19 तारीख की रात को मुझे धमकियाँ देती है, मैं अपना पक्ष रख लेके आप लोगों के पास आती हूँ, ओशिवरा पुलिस स्टेशन जाती हूँ डर के मारे कि देखो ये लड़की मुझे धमकियाँ दे रही है, कहीं मुझे हानि ना पहुँचे। और शर्लिन का तो काफ़ी टाइम से चल ही रहा है, उनका तो रोज़ ही कुछ ना कुछ बाहर आता ही है, राखी का और उनका, उनका तो बहुत टाइम से चल रहा है, तो कैसे आप झुंड कहला सकते हो? राखी झुंड में अभी तक आए नहीं है, राखी झुंड में अभी हम आएंगे, और आप तीन लोगों का नाम तो लो ही मत, सच में अभी तक हम झुंड में नहीं है, हम किसी टीम में नहीं है, हम सब इंडिविजुअल है, लेकिन जितने लोगों को राखी आपने सताया हुआ है सबको हम सामने लेके आएंगे, तब मैं खुद ये शब्द यूज करूंगी कि यस अब हम टीम में है। तो राखी का अचानक रात को कंप्लेन करना और अगले ही सुबह इंडिया के बाहर निकल जाना जी, क्या कुछ सच्चाई लग रही है और क्या कुछ आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, कि जो कंप्लेन कर रहा है वो है ही नहीं मौजूद, फेस करने के लिए रेडी नहीं है, चले गए? बिल्कुल, ये अच्छा आपने सवाल किया। आप मुझे बताइए, जिसके इतनी बड़ी बात हो जाती है, जिसका इंस्टाग्राम उड़ाया जाता है और हम पर ब्लेम किया जाता है, हम पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि ये सब कुछ मैंने किया है, तो अगर आपके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है तो आपको मुंबई में रुकना चाहिए। आप अपना फ़ोन आपको जमा, क्या फ़ोन जमा करने पड़ते हैं ऐसे टाइम पे? क्या मुझे नहीं पता है प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, अगर फ़ोन जमा नहीं करना पड़ता है तो एटलीस्ट वो व्यक्ति का होना वहाँ पर ज़रूरी होता है इंक्वायरी के लिए, जब रिकवर करेंगे सारी चीज़ें, क्या उस इंसान का होना ज़रूरी है वहाँ पे? मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ। ज़रूरी तो होता है, ज़रूरी होता है, तो राखी सावंत आप क्यों नहीं हो यहाँ पे? पर शायद ऐसा भी हो सकता है उनके लॉयर उनके बिहाफ पे जा सकते हैं पुलिस स्टेशन, जो कुछ भी हो सकता। अच्छा, तो मे भी ये हो सकता है, फिर तो कर रहे होंगे रिकवरी, अच्छी बात है, पता चल जाएगा। राखी सावंत का खुद का पब्लिसिटी स्टंट है, तो 24 घंटे में इंस्टाग्राम वापस आ जाएगा, अगर रिकवरी हो रही थी तो अभी तक क्यों नहीं आया है? अभी टाइम कल कितने बजे उड़ा है उनका? रात को उड़ा है, जब मैं आईवी लगा रही थी, अपने घर पे थी मैं, मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब है और ये सब कुछ तब हुआ है, तो अब आपको सबके सामने ही आ जाएगा। वीडियो भी वायरल हो रही है, पहले भी ऐसे राखी के साथ हुआ था, उनका इंस्टा डिलीट, वो कंप्लेंट करने चले गए थे अपने एक्स हस्बैंड जी, तो आप भी साथ दिखे थे उनके? मैं साथ नहीं थी, आदिल, हाँ मतलब उन दिनों हम साथ में ही थे, मैं पुलिस स्टेशन में साथ में नहीं थी, उन दिनों आदिल और राखी गए थे कंप्लेंट करने के लिए कि रितेश ने मेरा इंस्टाग्राम उड़ाया है, वो एक पब्लिसिटी स्टंट था, इन लोगों ने खुद ने किया था, राखी ने खुद ने उड़ाया था। देखिए ना, सिर्फ राखी का इंस्टा कैसे उड़ता है, बार 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 उड़ता है, फिर 24 घंटे में आता है, फिर उड़ता है, फिर 24 घंटे में आता है, ऐसे कैसे हो सकता है? और किसी का हुआ है आपके नॉलेज में है ऐसा, जो ब्लू टिक का इंस्टा उड़ा हुआ ऐसा हुआ है? क्योंकि ब्लू टिक अगर रहता है तो कुछ अपने को स्पेशल सर्विस मिल जाती है इंस्टाग्राम के थ्रू, कि डायरेक्ट हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनसे, ऐसा सब भी होते, कुछ फैसिलिटीज मिल जाती है, बट इन दिस केस आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ हुआ है। मैं आपसे एक और सवाल, पता है क्यों ये हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ, आप ना घर का चोर कभी नहीं पकड़ सकते हैं, अगर कोई बाहर से आके आपके घर पे चोरी करे तो आप वो चोर पकड़ सकते हैं, लेकिन घर का चोर आप कभी नहीं पकड़ सकते हैं। राखी के केस में राखी खुद ही एक नंबर की झूठी है, खुद ही स्टंट करती है, सब कुछ खुद ही फैलाती है, इसलिए उनके कोई सबूत मिलते ही नहीं है। सो अभी मेरा एक और सवाल था आपसे कि अब आप क्या स्टेप लेना चाह रहे हो? आपने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आप एक बड़ा खुलासा करने वाले राखी के अगेंस्ट,
कंप्लेन करने वाले हो, तो वो ऑडियंस को बताइए क्या आप अपना नेक्स्ट स्टेप कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, राखी ने जितने इल्ज़ाम मुझ पर लगाए हैं चरित्र वाले, एक और इल्ज़ाम लगाया था कि आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि गेट वेल सून राखी, तो दिस इज द स्टेटमेंट लाइक शी गॉट अ मेंटली हैरेस्ड फ्रॉम दैट। बिल्कुल नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। डिफेमेशन केस लगाया राखी ने मेरे ऊपर 100 करोड़ का मानहानि दावा किया है। तो जिस तरीके से राखी ने मेरा डैमेज किया है, मेरा नेल आर्ट स्टूडियो का नाम बदनाम किया है, 12 साल से मैं काम कर रही हूँ, उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा जो जो उसने मेरे बारे में बोला है, तो वो हिसाब से मुझे तो कम से कम 200 करोड़ का दावा करना चाहिए। उनका तो कुछ नहीं गया है 100 करोड़ का, अगर वो बैठे बैठे कर रहे हैं, मेरा तो नाम खराब हुआ है, मेरा ब्रांड है, मेरा बिजनेस है, मेरे पेट पे लात मार रही है, मुझे तो 200 करोड़ का करना चाहिए। अच्छा, आदिल का पासपोर्ट पे कुछ आप प्रूफ आपके पास कुछ आप शो कर रहे थे कि राखी ने उसे कहा है कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, ऐसा कुछ आप कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ी देर में मेरे पास वो आ जाएगा, वो चैट आ जाएगी, मैं आप लोगों को भेज देती हूँ। उस पे सीधा लिखा हुआ है, आदिल ने उनको शायद पूछा था अपने पासपोर्ट के लिए, चैट की थी, तो उन्होंने कहा है कि आपका पासपोर्ट मेरे पास नहीं है, सीधा उन्होंने मना कर दिया नहीं है। और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बयान देते हैं कि उनका पासपोर्ट, आदिल का पासपोर्ट मैं चोरी करती हूँ, और मेरी मतलब मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा, आदिल का पासपोर्ट मैं चोरी करूँगी। फिर मैंने क्या किया, इतना 7 महीने से उसका पासपोर्ट रख के, मैं 7 महीने से प्लानिंग कर रही थी, मैंने पासपोर्ट चोरी किया, फिर मैंने आदिल को दिया, मुझे क्या मिला इसमें, मुझे क्या मिलेगा, सब झूठ है राखी सावंत, सिर्फ झूठ। बात भी आ रही है कि उस रात अगर मैं सही होती तो फाल्गुनी मेरे साथ नहीं खड़ी होती, हम टीम में से दो तो एक साथ है, राशि अलग हो चुकी है। उस रात मतलब जो वो दावा करती है कि वो भागी थी, भागी वो जो खुद बोलती वो है, दोनों जन भागे थे, आप वहीं। मैं अगेन कहूंगी, प्लीज आप फाल्गुनी मैडम के लिए, कोई भी राखी सावंत फाल्गुनी मैडम के लिए गलत ना बोले, उन्होंने आपका बहुत साथ दिया है, आप उनको कुछ भी पे नहीं करती हो, 10 रुपये भी पे नहीं करती हो, फिर भी वो आपका साथ देती है, वो बहुत अच्छी एडवोकेट है, वो कोई डरफोक नहीं है और वो कोई भगोड़ी नहीं है, वो आप वो फाल्गुनी मैडम कहीं से नहीं भागे थे। तो एक और आपके पास वीडियो था कुछ, उसके अंदर आप शो कर रहे थे कि राखी जो भी कुछ कर रही है प्री प्लान उनके लॉयर के थ्रू वो पट्टी पढ़ा रहे हो। जी जी जी, उनको एक लॉयर मिले हुए हैं, फिर मैं उनका नाम भूल गई, ऑन कैमरा उनको वो सिखाते हैं, उनको पट्टी पढ़ा रहे कि ये देखो आप ना ये बोलना, ऐसे ऐसे बोलना, आप झूठे इल्ज़ाम लगाना, बोलना कि आपके घर पे आके चोरी करके लेके गई है, ये उनको पासपोर्ट चोरी करके लेके गई है, और इसमें 2-4 चीज़ें और बोली गई है, तो आपको सिर्फ सुनाना है कि दिखाना है। आप वीडियो सेंड कर दीजिए बाद में, कोई इशू नहीं। बिल्कुल, मैं उतनी क्लिप आपको भिजवा, ये देखिए। बिफोर द प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पट्टी पढ़ाई जा रही है। अभी आपका क्या एक्शन होगा राशि, अब क्योंकि खुद पे बात आई है, दोस्ती के लिए तो जान भी दे सकते हैं लेकिन खुद पे बात आई है तो बिल्कुल दोस्ती के लिए, मैं वो इंसान हूँ कि दोस्ती के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और मैंने वो करके दिखाया है, पूरे पब्लिक को पता है कि मैंने अपने दोस्त के लिए कितना क्या क्या किया है। अगर मैं अपने दोस्त के लिए इतना सब कुछ कर सकती हूँ तो सोचो, नेल आर्ट स्टूडियो जो मेरा बिजनेस है, वो मेरा एक बच्चा है, वो एक मेरा बेबी है, मैं अपने बच्चे के लिए क्या क्या कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए राखी सावंत आपको सवाल करती हूँ कि आप प्रूफ दीजिए, अगर मैं आपके आपकी दोस्ती निभा सकती हूँ तो अपने बच्चे को बचाने के लिए तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो आपका क्या पुलिस स्टेशन में आके एक्शन होगा, क्या केसेस, क्या चार्जेस लगाओगे आप? अभी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, मानहानि का राखी, जो राखी ने मेरी इतनी इज्जत खराब कर दी है, मुझे बदनाम कर दिया है, और जो जो देख मुझे नॉलेज कम है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि धाराओं की नॉलेज मुझे कम है, अभी आपको पता चल जाएगा, जो मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगलियाँ उठाना, एक एक लड़की के बारे में, एक महिला के बारे में गलत शब्द यूज़ करना, मैं उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहूँगी।
मानहानि के ऊपर, और एक चीज़ थी, मतलब फ़ोन ही नहीं मिल रहा, तो अभी आपको पता चल जाएगा, मैं आपको भेज देती हूँ। तो अभी आपका ये एक्शन रहेगा, इन फ्यूचर कभी दोस्ती में हाथ बढ़ाने का मौका आया राखी की तरफ से, उस दिन मैं सुसाइड करूंगी। तो अभी ये दोस्ती नहीं रही, अकेला रहना अच्छा है, ऐसे दोस्त मत रखिए जो सिर्फ आपको यूज़ करते हैं, आपका उपयोग करते हैं, उपयोग होने के बाद आपको बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं, आप प्लीज़ ऐसा दोस्त मत रखिए। चलो मैंने सुसाइड वाली बात की, वो तो गुस्से में की, कोई ऐसा काम ना करे आप लोग, आप अकेले रहिए, खुश रहिए, पिक्चर देखिए, अकेले घूमिए, शॉपिंग करिए, खुश रहिए, पर दोस्त ना रखे ऐसा। अच्छा, ज़्यादातर आप राखी के साथ टाइम स्पेंड किए, तो अपने वो खाली समय में क्या किया करते थे? खाली समय में हम लोग घूमते थे बाहर, रेस्टोरेंट जाना, स्टारबक्स की कॉफ़ी पीना विथ आलमंड मिल्क, और शॉपिंग करते थे, कपड़े खरीदते थे, मॉल जाते थे। बिल्कुल, किसके तरफ से? फाइनेंसर थी ना राश्री मोरे, वही करती थी। ठीक है, लास्टली जाते आते आप राखी को क्या कहना चाहोगे? अभी तो वो है नहीं, उम्रा करने गई है, इस बारे में। राखी सावंत, बहुत लोगों के साथ गलत कर चुकी हो, अब अपने मेरा नंबर आया है, जिस लड़की ने आपके लिए इतना सब कुछ किया है, मैं आपको सच में हाथ जोड़ती हूँ, मत करो राखी सावंत, मुझे तो डर लग बैठ गया है आपसे, डर लगता है। और क्या क्या करने वाली हो आप? आपको डर नहीं लगता है भगवान का, ऊपर वाले का? आपको किसी चीज़ का डर नहीं है राखी सावंत? बंद करो ये सब कुछ।